Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you adverb. Students, जैसे आपको पता है कि adverb की मैं already class ले चुका हूँ और ये मेरी second class है आपकी adverb की यानी part second. Student, video को full watch करें, like, share, comment करना ना भूलें. तो start करते हैं आज की class student. कि जब हम adverb पढ़ते हैं student तो वहाँ बहुत हमें confusion होता है कि adverb क्या मतलब किसके बारे में कर रहा है, adjective क्या है. तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो होता है स्टूडेंट आपके वो थ्री पार्ट्स को छोड़ करके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको छोड़ने के बाद जो फाइव पार्ट्स होते हैं उनकी वो हमको क्या है क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है. एडजेक्टिव तो होता है स्टूडेंट आपका नाउन और प्रोनाउन को आपका क्वालिफाई करता है. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके कुछ ऐसे एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं जो दोनों की तरह आपकी यूज हो सकते हैं. कुछ वर्ड ऐसे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ एडवर्ब है फिर उसके बाद एडजेक्टिव भी यूज किया है. यहाँ बोला है उसने ही रन फास्ट, तो यहाँ पर जो फास्ट यूज किया गया है स्टूडेंट ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, आपके वर्ब को यानी रन को वर्ब क्वालिफाई कर रहा है कि आपका एडवर्ब यानी फास्ट. ही रन फास्ट वह तेज दौड़ता है, ठीक है. लेकिन यहाँ बोला उसने ही इज ए फास्ट रनर, तो यहाँ स्टूडेंट ये आपकी क्वालिफाई बता रहा है किसकी, नाउन की क्वालिफाई बता रहा है कि वह कैसा धावक है, वह एक तेज धावक है, ठीक है. यहाँ बोल रहा है कि वह तेज दौड़ता है लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वह एक तेज धावक है, ठीक है. तो इस तरीके आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ फास्ट, यहाँ पर जो हमने फास्ट यूज़ किया है वह एडवर्ब के रूप में यूज़ किया और यहाँ पर जो फास्ट यूज़ किया हमने वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है. सेकंड एग्जाम्पल बताया गया कि सी हैज़ ओनली टू बुक्स, कि वह केवल दो किताब रखती है या उसके पास दो किताब हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ओनली बता रहा है केवल दो के लिए, ठीक है. लेकिन यहाँ बोला उसने एडजेक्टिव रूप में कि सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है. तो यहाँ बताया गया कि वह अपने माता पिता की अकेली लड़की है या उनकी एक पुत्री है. तो यहाँ आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर ये जो क्वालिफाई कर रहा है आपकी ये डॉटर को क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ ओनली ये किसको बात कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है आपके, और यहाँ पर इसको जो ऑब्जेक्ट दिया गया उसको यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पर आपका बुक्स दिया गया इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है. सी एग्जाम्पल बताया गया कम बैक, तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि कम बैक यहाँ आओ, तो ये कम ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. सी इंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर, कि वह पिछले दरवाजे से क्या हुआ, इंटर हुआ. तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ ये जो कर रहा है यहाँ बता रहा है जैसे कि कम एयर, तो यहाँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ किया गया है कम एयर यहाँ पर आओ, ठीक है. तो यहाँ पर हमने बैक को यूज़ किया एज एडवर्ब और यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया हमने यहाँ पर, क्योंकि ये बता रहा है दरवाजे की वो कैसे आया अंदर, कि वो दरवाजे से आया, ठीक है. डी एग्जाम्पल बताया गया आपका दे वर्क हार्ड, भी कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है. यहाँ बताया गया एडजेक्टिव में ही इज ए हार्ड वर्कर, वह एक कठिन परिश्रमी है. तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ ये जो वर्क यूज़ किया गया यहाँ बताया कि दे वर्क हार्ड, भी कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन यहाँ बताया ही इज ए हार्ड वर्कर, वो एक कठिन परिश्रमी है यानी वो बहुत ज़्यादा ही मेहनती है. तो यहाँ आपने समझा इस तरीके से स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर कुछ ये वर्ड थे जिनका हमने यूज़ किया है कि उनको एडजेक्टिव के रूप में हम कैसे यूज़ करेंगे और एडजेक्टिव के रूप में कैसे करेंगे. ये तो हमें स्टूडेंट तभी पता चल सकता है कि जब हम किसी भी एडवर्ब और एडजेक्टिव को हम जब यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको पता चल सकता है कि यह एडजेक्टिव है या ये आपका एडवर्ब. यहाँ बताया कि मोस्ट जो होता है स्टूडेंट ये आपका एडजेक्टिव होता है, बट ऑलमोस्ट जो होता है वो आपका स्टूडेंट एडवर्ब होता है, ठीक है. ईजी जो होता है स्टूडेंट ये आपका एडजेक्टिव होता है और ईजिली होता है ये आपका एडवर्ब होता है. ऐसे गुड, गुड मीन्स अच्छा होता है, बेल मीन्स भी अच्छा होता है, लेकिन बेल जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट ये एडवर्ब होता है और गुड आपका एडजेक्टिव होता है. स्थिति और रूल्स ऑफ एडवर्ब, हम रूल्स जो होते हैं स्टूडेंट रूल मीन्स होते हैं नियम होते हैं कि हम एडवर्ब को यानी क्रिया विशेषण को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ हम समझेंगे एडवर्ब का यूज़ बाकी में हमें किस तरह किया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट. एडवर्ब का अगर हम गलत यूज़ करते हैं तो क्या है, पूरा जो सेंस होता है बाकी का वो पूरा ही सेंस चेंज हो जाएगा आपका. तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि हमें जैसे कि हमने अभी सीखा था, जैसे हमने टेंस सीखे थे तो हमें किस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है ये सीखा था, ऐसे हमें एडवर्ब को कहाँ यूज़ करना है तो यही आपकी पोजिशन होती है स्टूडेंट. यहाँ बताया गया आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बड़े आसानी से समझेंगे हम कि यहाँ एग्जाम्पल बताया गया ओनली सी कैन स्पीक, तो यहाँ बोला है स्टूडेंट कि वह केवल बोल सकती है, ठीक है. तो यहाँ सेकंड एग्जाम्पल बताया गया वट सी कैन ओनली स्पीक, वह केवल बोल सकती है. सी कैन
स्पीक ओनली, तो यहाँ आप समझते हो स्टूडेंट, अगर इनका हम हिंदी मीन्स निकालते हैं ए में, जैसे ओनली सी कैन स्पीक, तो इसका मीन्स क्या होगा कि वह केवल बोल सकती, बाकी को जो दुनिया में है जो भी और व्यक्ति हैं वो कोई बोल नहीं सकता। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि यहाँ क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया सी कैन ओनली स्पीक, वह केवल बोल सकती है, यानी केवल वो बोल सकती है, ना हिल सकती है, ना डुल सकती है, ना नाच सकती है, ना गा सकती है, ना खा सकती, ऐसी अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकती। इसका मीन्स तो यही हो गया ना कि वह केवल आपका बोल सकती है। यहाँ बताया गया सी कैन स्पीक ओनली कि वही बोल सकती है, इस दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति बोल नहीं सकता। तो आपने इस तरीके समझा कि हमें स्टूडेंट कहाँ पर एडवर्ब को यूज़ करना है, तो इसी को बोलते हैं हम आपका एडवर्ब पोजीशन, एडवर्ब को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपने यहाँ समझा कि अगर हम गलत जगह पर यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट क्या है आपका सेंस ही चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ बताया गया आपका फर्स्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ बताया गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं स्टूडेंट, स्लोली स्लोली, धीरे क्विकली मीन्स जल्दी, केयरफुली मतलब सावधानी से, एजली माने आसानी से होता है, कामली शांतिपूर्व, और फास्ट मीन्स जल्दी से, ये आपके होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताते हैं कि हम कोई भी काम जो किस तरीके से कर रहे हैं, किस ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं इनको स्टूडेंट हम आपके वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, जो वर्ब होती है ना आपकी, सब्जेक्ट के बाद हम आपकी वर्ब यूज़ करते हैं, तो जस्ट आपके वर्ब के बाद इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से बताया अगर हम वर्ब का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे, देखो एग्जांपल के थ्रू बड़े आसानी से। यहाँ बोला है कि ही टॉक्स वेल, वह अच्छी तरीके से बोल सकता है। तो अगर यहाँ तक क्या है स्टूडेंट, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने इसके पीछे इसको यूज़ किया गया। अगर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट दिया होता, जैसे यहाँ बताया गया है ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, कि वह इंग्लिश को क्या है बहुत जल्दी बोल सकती है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब है और वर्ब का स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्ट बताया गया है हमें यहाँ पे, और इसका ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपका ये फ्रिक्वेंसली जो फ्लुएंसी जो होता है, फ्लुएंसी मीन्स होता है जल्दी जल्दी, यानी कि बहुत ही सफलता पूरा, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ कर सकते। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमें केवल आपके वर्ब की जस्ट बात करते हैं स्टूडेंट, ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैन, मैं हमें किस तरीके से यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ बताया इट इज़ रेनिंग रेगुलरली, कि ये जो बरसात है वो लगातार होगी, ठीक है, या लगातार हो रही है आपकी, सॉरी यह बरसात क्या है, लगातार हो रही है। तो यहाँ आपका ये आपकी वर्ब दी गई है, तो वर्ब के बाद हमने यहाँ यूज़ कर दिया गया। ठीक है, आई रीड माई बुक केयरफुली, तो यहाँ वर्ब है, वर्ब के बाद स्टूडेंट माई बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसके बाद यूज़ किया, लेकिन यहाँ हमने वर्ब के बाद यूज़ किया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो एडवर्ब जो टाइम होती है उसमें हम यूज़ करते हैं नाउ, अव, देन, माने तब, सून, मान जल्दी, टुडे मींस आज, नेक्स्ट डे आने वाले कल में, यट माने हालांकि, यद तब, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक के लिए हम यट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, जो क्रिया विशेषण जो समय सूचक जो वर्ड होते हैं ये ऐसे बताते हैं कि, ठीक है, इस तरीके से, और जो प्लेस होते हैं उनके लिए स्टूडेंट हम हेयर, देयर, यहाँ, वहाँ, ऑन, ऊपर, इन, इस तरीके से आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। इनका यूज़ हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, इनका भी यूज हम वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन अगर बाद का कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद भी हम इसका यूज़ करते हैं, सेम आपका यूज है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह। यहाँ पर इसे बताया गया ही विल कम सून, वह जल्दी ही आएगा, तो यहाँ वर्ब दी गई स्टूडेंट, वर्ब के जस्ट बाद हमने यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया, यहाँ पर सून को, सॉरी आपका एडवर्ब है यहाँ पर ये ही विल गो टू डेली नेक्स्ट डे। तो यहाँ आपने क्या देखा स्टूडेंट, नेक्स्ट डे ये एडवर्ब ऑफ ये आपको बता रहा है आपका टाइम, कि वह कल यानी जो आने वाला समय है वो उस समय दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है वर्ब के बाद, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आपके एडवर्ब को यूज़ किया है। सी एग्जाम्पल ने बताया कि ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, वह अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ आप समझ सकते हो यानी जिस टाइम तक हम बात कर रहे हैं ना उस टाइम तक ही बात कर रहा है कि अभी तक वो नहीं आया है, तो यहाँ पर हमने येट का यूज़ किया है, ये उसके बाद आपकी वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद हमने यहाँ यूज़ किया स्टूडेंट। ही लिव्स हेयर, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है कि वह यहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब के बाद यूज़ कर लिया इसको। राम वर्क्स देयर, राम वहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर आपके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने इस तरीके से यूज़ कर लिया स्टूडेंट आपका। देयर आर बुक एवरीवेयर, यानी ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की कि यहाँ वहाँ देखो बुक ही बुक है, यानी किताब हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट कि हम किस तरीके से आपके एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता आपका स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी काम जो रिवीजन के तौर पे होता है उसके लिए, जैसे ऑलवेज मान से हमेशा, ऑफन माने जल्दी, सॉरी ऑफन मीन्स होता है बहुधा,
डेली माने रोजाना, जनरली सामान्य, नेवर माने कभी नहीं, रेयरली माने हार्डली, ऑलमोस्ट माने पहले से, जस्ट माने अभी, और हार्डली माने मुश्किल से, नियरली माने आसान से, ऑलरेडी माने पहले से। इनका यूज होता है स्टूडेंट हम सब्जेक्ट एवं वर्ब के बीच में करते हैं, ठीक है। इससे पहले में जब मैंने बताया एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर थे, वो हम वर्ब के बाद यूज़ कर रहे थे, लेकिन इनका जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम इनका सब्जेक्ट और आपकी वर्ब के बीच में करते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑफन कम्स लेट, वो हमेशा, या हम कहें वो बहुत ही मतलब लेट आता है, तो यहाँ आपने देखा कि ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बीच में हमने स्टूडेंट इसके आपके एडवर्ब का यूज़ किया है। आई हैव जस्ट अराइव, मैं अभी आज आया हूँ, तो यहाँ आपने देखा कि जस्ट का यूज़ किया है स्टूडेंट हमने, यहाँ वर्ब है और आपका यहाँ सब्जेक्ट है। ही ऑलवेज स्पीक थ्रू, तो यहाँ आपने देखा यहाँ पर हमने वर्ब है और आपका सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ कैसे करेंगे स्टूडेंट। इसके कुछ स्पेशल रूल, इसके कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ मैंने टॉपिक के उनको बताया गया है कि जैसे ए में बताया गया, ए टॉपिक में, यहाँ पर ए पॉइंट में, यदि किसी वाक्य में आपकी इज आर एम यानी वर्ब टू बी का यूज़, जैसे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के यूज हो, तो एडवर्ब के बाद हम इनके एडवर्ब किसके बाद लगाएंगे स्टूडेंट, आपकी वर्ब टू बी के बाद, यानी इज आर एम, वॉज वर्ब के बाद हम आपका इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि ही इज़ ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज रेडी, वो तैयार है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ वर्ब के बाद हमने स्टूडेंट इसका यूज़ किया है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही, वी आर ऑलवेज हैप्पी, हम हमेशा खुश हैं या खुश रहते हैं, तो यहाँ आपने देखा कि वर्ब के बाद हमने यूज़ किया है स्टूडेंट आपकी, ये ऑक्सिलरी वर्ब की यूज़ की जा रही है स्टूडेंट आपकी, जैसे मैन वर्ब यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है, यानी आपकी मैन वर्ब का यूज़ कर रही है और आपकी हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही है यहाँ पर ये। दे आर जनरली लेट, वे हमेशा लेट होते हैं, यानी हम कहें सामान्यतः वो लेट होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि स्टूडेंट हमने किस तरीके इसका यूज़ किया, अगर इज आर एम यानी आपकी वर्ब टू बी है, तो टू बी की, और टू बी वर्ब अगर आपकी क्या बोलते हैं उसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो, तो उसके जस्ट बाद हम इनका यूज़ करते हैं। और वी पॉइंट में आपको बताया गया स्टूडेंट, यदि वाक्य में वर्ब को हम इंपोर्टेंस देना हो, यानी किसी बात को हमें एक जोर दे के डालना हो, किसी चीज़ को बोलना हो और उसका कोई शॉर्ट आंसर देना हो, तो इस एडवर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब से या हम कहें वर्ब के बाद भी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब के पहले भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है, डू यू गो वाई बाइक, क्या तुम बाइक से जाते हो, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया है। तो अगर हम इसका, जैसे अगर मैं इसका आंसर दूंगा यस आई यूजली डू, यानी कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, यानी कि मैं हमेशा अपनी बाइक से जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरीके से इसको इंपोर्टेंस दिया गया है, तो यहाँ आप इसे यूज़ का बोल सकते हो। सी पॉइंट में बताया गया स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैव टू और यूज टू, ये एक रूटीन के लिए यूज़ की जाती है, हैव टू करना पड़ता है, यूज टू रोजाना के लिए, कि अगर हम कोई भी एडवर्ब दी गई है तो इससे पहले स्टूडेंट इनका हम यूज़ करेंगे, यानी एडवर्ब किससे यूज़ पहले की जाएगी, यानी आपके हैव टू और आपके यूज टू से पहले हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया कि आई ऑफन हैव टू गो ऑन फुट, मुझे मतलब मुझे पैरों पर, ऑफन मीन्स बहुत है, या हम ज़्यादातर मुझे पैरों से जाना पड़ता है, यानी पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पर हमने हैव टू से पहले ही आपके एडवर्ब का यूज़ किया है यहाँ पर ऑफन का। और आपकी वी एग्जाम्पल में बताया गया स्टूडेंट आपका कि ही ऑलवेज यूज टू टेक अम्ब्रेला, कि वो हमेशा यूज टू ये यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ये आपकी कोई भी पास्ट से आपकी कोई भी जो हम बात करें डेली रूटीन के लिए आपकी कोई आदत रही हो उसके लिए यूज़ करते हैं आपके यूज टू। जैसे ही ऑलवेज यूज टू टेक अम्ब्रेला, कि वो हमेशा ही छाते को लेना, मतलब छाते को लेके जाती है, तो इस तरीके से आपने यूज़ किया है इसका ऑलवेज का किससे, यूज टू से पहले। सी नेवर हैज टू वॉक अलोन, वो कभी भी मतलब पैदल नहीं आती है, तो यहाँ आपने देखा इस तरीके से नेवर का हमने यूज़ किया है किससे आपके, हैज टू से, सी नेवर, वो कभी भी हैज टू नहीं जाती है, अलोन मतलब घूमने के लिए अकेली नहीं जाती। डी पॉइंट में आपको बताया गया स्टूडेंट कि हम एडवर्ब नॉट का यूज़ हमेशा एक्जुलरी के बाद करते हैं, यानी प्रिंसिपल वर्ब से पहले हम नहीं करते, अगर आपकी कोई मेन वर्ब है तो उससे स्टूडेंट हम पहले ही करते हैं आपकी, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया आपका आई हैव डन, आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो आप यहाँ समझ सकते हो स्टूडेंट कि जो एडवर्ब है और नॉट का यूज़ हम किससे करेंगे, आपके एक्जुलरी वर्ब यानी वर्ब टू बी, इस तरीके से जो वर्ब यूज़ करेंगे इसके बाद हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपके नॉट का, और जो प्रिंसिपल वर्ब जो होती है, यानी मेन वर्ब होती है स्टूडेंट, उससे पहले हम आपके नॉट का यूज़ करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। ही डिड नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर नहीं जाता है, ठीक है, या वो जयपुर नहीं गया, सॉरी, वह जयपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर नहीं गया।
तो आप इस तरीके समझ सकते हो स्टूडेंट, आपकी एक्जुअली वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, यानी आपके प्रिंसिपल वर्ब है, उसके बीच में आपके नॉट का यूज़ किया गया है। सी विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगी या ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आपकी एक्चुअली वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, उसके बीच में आपके नॉट का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका एडवर्ब एनफ। ये तो रूल्स स्टूडेंट मैंने आपको जब मैंने आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री कराई थी, जहाँ पर मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन कराया था, वहाँ पर भी मैंने इसको आपको रूल को बताया था कि हम जो एनफ होता है स्टूडेंट, हम उसी शब्द के बाद करते हैं जिसको ये मॉडिफाई करे या इसको ये क्वालिफाई करे, यानी उसकी क्वालिटी बताता है उसके साथ करते हैं। और जो एनफ होता है स्टूडेंट, उससे पहले हम आपकी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब कोई भी हो ठीक है, या तो हम एडवर्ब की यूज़ करें या हम आपकी एडजेक्टिव यूज़ करें। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट हम आपकी कंपेरेटिव डिग्री के बाद, यानी जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसके बाद हम एनएफ का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि आप एनएफ के साथ केवल आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ए में बताया गया स्टूडेंट, आई हैव मनी एनफ टू बाई ए, मैं बहुत सारा पैसा रखता हूँ ठीक है, फॉर बाई ए शर्ट, मनी अपनी क्या बोलते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए। तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर हमने किस तरीके से यूज़ किया है। तो यहाँ जो एन एफ से पहले हमने यूज़ किया, किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट, ये हमें बता रहा है मनी के बारे में। तो मनी के जस्ट बाद हमने इसका यूज़ किया है यहाँ पर। द बिल्डिंग इज़ लार्ज एनफ फॉर द गेस्ट हाउस, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पॉजिटिवली बात की, जो बिल्डिंग है ना वो जो गेस्ट हाउस है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो लार्ज ठीक है, मोर लार्जर और लार्जेस्ट होती है, यानी ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है लार्ज की स्टूडेंट आपकी लार्ज, और जो इसकी कंपेरेटिव होती है वो लार्जर होती है, और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो होती है आपकी लार्जेस्ट ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो इस तरीके से इसका कंपेरेटिव डिग्री के रूप आपके पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज़ किया गया, तो उसके साथ हमने एनफ का यूज़ किया है। अगर यहाँ लार्जर होता तो स्टूडेंट ये आपका रॉन्ग हो जाता। सी एग्जाम्पल में बताया कि आई हैव टाइम एनफ टू हैव लंच, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय जो लंच करना है उसके लिए ठीक है। यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका एडवर्ब ओनली और जो इवन होता है उसका हम उसी वर्ड से पहले यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जिसकी ये क्वालिफाई करता है या हम बात करें जिसको ये आपका मॉडिफाई करता है ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल देंगे, ही हैज ओनली कार, वो केवल कार रखता है, तो यहाँ कार के बारे में बताया गया, तो उसके पहले हमने यहाँ पर ओनली का यूज़ किया स्टूडेंट आपका। नेक्स्ट बताया ओनली ही हैज ए कार, के वो केवल कार रखता है, तो इसकी ये क्वालिफाई करे किसको, ही को यहाँ पर, तो ही से पहले हमने ओनली का यूज़ किया है। ही कांट राइट इवन करेक्ट इंग्लिश, तो ये बात कर रहा है करेक्ट इंग्लिश की यहाँ पर, तो उससे पहले हमने यहाँ पर आपके इवन का यूज़ किया है कि वो राइट मतलब जो इंग्लिश है वो उसको करेक्ट नहीं लिख सकता है। यहाँ बताया गया ऑर्डर ऑफ एडवर्ब ठीक है, जो एडवर्ब होती है स्टूडेंट अगर उसको हमें टाइम मतलब उसको एक सीक्वेंस में लगाना, तो किस तरीके से लगाएंगे उसका एडवर्ब पहले लेते हैं हम आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एमपीटी ठीक है। यहाँ बताया गया ही स्पीक लाउडली एट द मीटिंग जस्ट डे ठीक है, कि वो जो मीटिंग हुई थी लास्ट डे वो उसमें बहुत तेज बोला था ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो लाउडली ये क्या है स्टूडेंट, आपके मैनर है, आपको एक तरीका बता रहा है कि आपने किस तरीके से काम किया। एट द मीटिंग ये आपका प्लेस बता रहा है, येस्टरडे आपका स्टूडेंट टाइम बता रहा है यहाँ पर ठीक है। ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ, कि वो मैदान में बहुत तेज रो रही है ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर के वो रो रहा है सॉरी ठीक है। तो यहाँ लाउडली आपका मैनर बता रहा है और ये एट द फील्ड आपका प्लेस है और नाउ मीन्स आपके स्टूडेंट टाइम की बात कर रहा है। ही वॉज गोइंग टू डेली यस्टरडे, तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट ये जो डेली यूज़ किया गया ये आपका एक प्लेस की बात कर रहा है और यस्टरडे एक समय की बात कर रहा है ठीक है। तो आपके इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एक नोट बनाया मैंने यहाँ पर, नोट को हम समझेंगे कि नोट में बनाने का क्या मीन्स है। इसका यूज हम जब करते हैं स्टूडेंट, मान लो अगर आपके एक ही किसी वाक्य में और आपके एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा दिए गए हों ठीक है, तो उनको हम किस सीक्वेंस में लगाएंगे, यानी हमको सबसे पहले कम टाइम को लेना है, उसके बाद उससे ज़्यादा बड़े को, उससे उसके बाद बड़े को ठीक है। जैसे सी हैज़ बॉर्न एट 6 o'clock इन द इवनिंग ऑन संडे इन द 1997 ठीक है, तो वो पैदा हो चुकी किस में, छः बज के इन द इवनिंग शाम को पैदा हुई थी ऑन संडे और सन 1987 में ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपका समय क्या था, 6 बजे होंगे, उसके बाद वो शाम का समय था और संडे था और आपका सन था आपकी यानी जो ईयर थी वो 1987 थी ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो स्टूडेंट आपको इस तरीके सीक्वेंस में लेना है इनको, पहले हमें अगर टाइम दिया गया ज़्यादा तो पहले हमें कम टाइम को लेना, उससे फिर बड़े को और उससे बड़े को यानी इंक्रीजिंग में लेना है हमको उसको। 7 पॉइंट में बताया गया स्टूडेंट, यदि हम कोई भी एडवर्ब किसी एडवर्ब यानी कि आपके एडवर्ब और एडजेक्टिव या हम कहें एडवर्ब फ्रेज के रूप में या उसको मॉडिफाई करें ठीक है,
तो उस एडवर्ब को हम उससे पहले लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया कि हिज स्पीच वॉज वेरी फनी, तो यहाँ हम समझ सकते हो यहाँ बात की गई स्टूडेंट आपकी फनी की, कि जो उसकी स्पीच थी यानी उसका जो भाषण था बहुत ही मजा किया था, या हम कहें बहुत ही जो फनी था यानी कॉमेडी टाइप का था। तो यहाँ पर जो वेरी यूज किया गया है इसके बारे में यूज कर रहा है स्टूडेंट, ये आपको बता रहा है आपके वॉज फनी, तो यहाँ हमने इसको एडवर्ब के रूप में यूज किया है, तो यहाँ पर इसकी ये क्वालिफाई बता रहा है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है, तो ब्यूटीफुल आपका स्टूडेंट यहाँ हमने एज एडजेक्टिव है, और ये किसकी यहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर आपके और वेरी को यूज़ किया स्टूडेंट। सी आपके एग्जाम में बताया गया सी लाइक्स वेरी स्वीट एप्पल्स, कि वो उसको जो मीठे एप्पल हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ स्वीट एप्पल की बात की गई है कि आपकी जो जो क्या बोलते हैं स्वीट एप्पल्स हैं उनको वो क्या है यहाँ पर क्वालिफाई कर रही है, तो उससे पहले हमने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट आपका 8 पॉइंट में बताया कि जब एडवर्ब जो एडवर्ब होती है वो पूरे बाकी को अगर संशोधित करना चाहती है तो उसको स्टूडेंट हम शुरू में यूज़, अगर आपका कोई भी एडवर्ब है वो शुरू बाकी में किया गया है तो वो पूरे जो वाक्य है उसका सेंस यूज करता है। जैसे कि यहाँ बताया गया सी विल मीट अस देयर, तो यहाँ वो मुझको मिली, लेकिन यहाँ मैंने बोला सर्टनली, वो अचानक ही वो मुझे मिली, ठीक है। सर्टनली सी विल मीट अस देयर, कि वो हमें वहाँ पर अचानक ही मिल गई, ठीक है। यहाँ लाइकली वी एस्केप अनर्ट, के हम भाग्य से या हम कहें हम लकी थे, वी एस्केप अनर्ट, हम बिना हर्ट हुए यानी हम बिना चोटिल हुए वहाँ से बचने के लिए, ठीक है। ऑलवेज हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ऑलवेज थे या आप क्या समझ रहे हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है ये पूरे बाकी को संशोधित कर दिया, उसका जो मीन्स था उसको पूरी तरीके से आपका चेंज कर दिया गया। पॉइंट 9 में बताया गया जब हम वाक्य में नॉट का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर हम नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ नहीं करना है, अगर आप इसका मीन्स ये हुआ फिर आप नॉट यूज़ करें तो वहाँ पर स्टूडेंट आपको नेगेटिव जो आपके एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो होती है वहाँ पर उसको यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। यानी डबल नेगेटिव आप एक वाक्य में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ बताया गया है कि आई विल नॉट फाइंड हर नॉट डियर, तो यहाँ बताया कि मैंने उसको आई विल नॉट फाइंड, मैंने उसको नॉट फाइंड वेयर, मैंने उसको नहीं वहाँ पाया, तो यहाँ आप ये नॉट यूज, यहाँ आपने जब कर लिया है तो यहाँ आप दोबारा नॉट क्यों यूज़ कर, तो ये आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा। आई विल नॉट फाइंड हर एवरी एनी वेयर, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो स्टूडेंट्स। नो वन इसका अर्ली विजिट शेयर, कोई भी मुश्किल से यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आता है या इसको देखने के लिए नहीं आता है, तो ये आपका जो हमने इसका अर्ली वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस रखता है, मुश्किल से ना के बराबर के सेंस में, ठीक है। तो नो वन विजिट हेयर, यहाँ कोई भी देखने नहीं आता, तो ये आपका स्टूडेंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट 10 पॉइंट में बताया गया इसके बाद हम आपके वर्ड एडवर्ब का यूज़ करते हैं देन का यूज़ आपको करना गलत होता है स्टूडेंट। यहाँ बताया गया कि जो इल्स होता है स्टूडेंट इसके साथ हम आपके वर्ड एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ हम आपके वर्ड का यूज़ करेंगे, आपके देन का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गो एनीवेयर इल्स देन पाकिस्तान, तुम्हारा मन हो वहाँ जाओ, गो एनीवेयर कहीं भी जाओ लेकिन पाकिस्तान को देख करके, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देन यूज़ किया है तो ये आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा और नीचे वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके साथ एल्स के साथ हमको वर्ड का यूज़ करना है। कॉल हर एनी थिंग्स एंड देन विच, ठीक है, मतलब उसको किसी भी नाम से बुलाओ लेकिन उसको कुतिया के नाम से मत बुलाओ, या उसको नॉट यूज एबिजिंग, मतलब उसको गाली दे के मत बुलाओ, उसको बुरा वाला मत बोलो, ठीक है। तो कॉल हर एनी थिंग्स एल्स वर्ड विच, यानी कि उसको उस नाम से मत बुलाओ, तो यहाँ आपको वर्ड का यूज़ करना है, आपको देन का यूज़ करोगे तो स्टूडेंट आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है आपके स्टूडेंट 11, इसमें बताया गया कि जो इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उनके साथ हम एडवर्ब का यूज़ वर्ब के तुरंत बाद स्टूडेंट आपका किया जाता है, ठीक है। यानी वो जो खुद का ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते, जैसे ही डाइड का काम ली, कि वह मरा कैसे शांतिपूर्वक, तो यहाँ डाइड जो आपकी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट, तो इसके साथ हमने यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ किया, उसके जस्ट तुरंत बात करना है स्टूडेंट आपको। भी ये बताया कि सी स्पोक सॉफ्टली, वह बड़े बेहद आसानी से जान कहें बहुत ही आरामपूर्वक बोलती है सफलतापूर्वक, ठीक है। तो यहाँ इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ हमने, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया सी डिसअपीयर इमीडिएटली, कि बहुत जल्द ही, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है जल्दी अचानक या हम कहें, तो वो डिसअपीयर मीन्स क्या हो गया गायब हो गई, ठीक है। आज की क्लास थी स्टूडेंट यहीं तक, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।